इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 4-1 से सीरीज हराने के बाद इस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी ने अब जाकर लगाई इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जमकर फटकार और कहा कुछ ऐसा कि देखकर सुनकर रह गया हर कोई हैरान। तो वहीं इंग्लैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी और कोच ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला 4-1 से टीम इंडिया कब की अपने नाम कर चुकी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है दिग्गज खिलाड़ियों के बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत बड़े बयान दिए गए थे, वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अस्सीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद जमकर वापसी करी और उस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म किया। पाकिस्तान को उसके सरजमी पर कूटा और उसके बाद उनका सबसे बड़ा किला था भारत को भारत में हराने का। वो यूएई की पिचों पर तैयारी करके आ रहे थे, वे भारत को 1-0 से सीरीज में बढ़त हासिल कर चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार 3 मुकाबले हारे और उसके बाद उन्होंने जो बीच में कई बार पिच विवाद को लेकर DRS विवाद को लेकर जमकर रोना रोया था, इन सब के बीच में अब भारतीय दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा बयान इंग्लैंड के प्रति दिया है जिसने हर भारतीय का दिल जीता है। हम आपको बताएंगे अश्विन ने क्या कहा और कैसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जमकर फटकार लगाई है, मानो उन्हें आईना उनके सामने रख दिया है। चलिए बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है रविचंद्रन अश्विन के उस बयान से सहमत तो कमेंट में अपनी राय बताइएगा और इंडियन क्रिकेट टीम फैंस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जी हां, बयानबाजी का दौर जारी है जहां बेसबॉल की चर्चे जोरों शोरों पर थे, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पोल खुल चुकी है और इस बात को खुद इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच ब्रेंडम मैकुलम भी स्वीकार कर चुके हैं। पहले जानते हैं आखिर ब्रेंडम मैकुलम ने क्या बयान दिया है और किस तरह से इस चीज को स्वीकार किया, उसके बाद बताते हैं अश्विन अन्ना ने कैसे उनके सामने एक आईना रख दिया है। इंग्लिश कोच ने सीरीज हारने के बाद अब अपने एक टेलीग्राफ के कॉलम में लिखा है, भारत ने इंग्लैंड की कमियां या यूं कहें तो खामियां उजागर करी हैं, जिनसे उन्हें डरपोक और क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। डरपोक क्रिकेट खेलने के लिए वे कहते हैं कि 4-1 से हार के बाद सुधार और कुछ कठिन बातचीत एजेंडे में होगी। 42 साल के इस पूर्व कीवी क्रिकेटर ने कहा, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी मेहमान अधिक डरपोक होते गए। जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो एहसास होता है कि हमें सुधार की जरूरत है। इंग्लैंड के कोच ने मीडिया से बातचीत करते कहा, सीरीज के अंत में हमें कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि रोहित शर्मा की टीम इंडिया मेहमानों पर काफी दबाव बना चुकी थी। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी हम डरपोक होते चले गए और यह उस दबाव के कारण था जो भारतीय लाइनअप द्वारा हम पर डाला गया था, न कि केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी। उन्होंने हमें जबरदस्त दबाव में रखा और दबाव का कारण ही था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के इस कोच ने इस बात को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की कि अब हमारी टीम का आंकलन हमारे उस बेसबॉल अप्रोच का आंकलन करना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार भारत जाए तो बात कुछ और होकर आए, इस बात की उन्होंने पुष्टि करी है। तो मतलब साफ है कि इंग्लैंड के कोच भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के उस अटेंशन पर उस बेसबॉल पर सीरीज का आकलन करते हुए भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने एक शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने इंग्लैंड के बेसबॉल की तुलना भारत और इंग्लैंड के हाईवे से की है। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, टेस्ट क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट का अन्य फॉर्मेट रनवे पर हाईवे जहाज की तरह नहीं खेला जा सकता। जब तक हम उड़ान नहीं भर लेते तब तक पैडल पर कदम रखकर गति नहीं बढ़ा सकते। यह हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसा ही है। कभी कभी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में कैसे गाड़ी चलाते हैं। इंग्लैंड में ड्राइविंग आनंददायक है, बीच में कोई नहीं आता है, आप एक ही लेन में गाड़ी चलाना जारी रख सकते हैं, हम बाइयों से आगे नहीं निकल सकते हैं। वे कभी भी अप्रत्याशित चीजों की उम्मीद नहीं करते हैं। यदि वे कुछ अप्रत्याशित देखते हैं तो वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर वे देखेंगे कि हम भारत में कैसे गाड़ी चलाते हैं तो वे भ्रमित हो जाएंगे। भारत में आप हमेशा चौथे गियर में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, हम गियर बदलते रहते हैं, हम हमेशा एक पैर ब्रेक पर रखते हैं। यह कॉन्सेप्ट उनके लिए नया है। क्रॉली को हमेशा शुरुआत मिलती है लेकिन वह इसे जारी नहीं रख पाते हैं। बेसबॉल विरोधियों पर दबाव ट्रांसफर करने के बारे में है, लेकिन दबाव के ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, उन्हें ऐसा होना चाहिए, हमें उन्हें भुगतान करना होगा। यदि वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो खेल जारी है। हमारे अनुभवहीनता के कारण यह सीरीज उनके अनुसार चल सकती थी क्योंकि हमारी टीम नई थी, रविचंद्रन अश्विन ने माना,
लेकिन उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के पास अश्विन ने कहा इंग्लैंड के पास एक बड़ा मौका था लेकिन इंग्लैंड ने उसे गंवा दिया है।